हे एवरीवन, दिस इज ज्योति एंड वेलकम टू माय चैनल। सो मेरे आज के इस वीडियो पे मैं आप लोग से शेयर करूँगी ये वाली लुक जो कि मैंने क्रिएट किया है स्पेशली इस ईद के लिए। सो इस ईद में आप कुछ इस टाइप का लुक क्रिएट कर सकते हो। आई नो थोड़ी सी हैवी लुक है, बट फिर भी अगर आप लोग को पसंद आती है तो इस टाइप का लुक क्रिएट कर सकते हो। स्पेशली मैंने आइस में इसमें ग्रीन डाला है, सो ग्रीन इज़ आई थिंक ईद के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा कलर। एंड अगर आपका ड्रेसेस के हिसाब से कोई भी कलर मैच कर सकते हो, सो मेरे पास तो ऐसा पर्टिकुलर एक ड्रेसेस नहीं था, सो मैंने इसे ग्रीन में ही कर लिया है। एंड मैंने यहाँ पे एक झुमका मैंने यहाँ पे लगाई है। सो गाइस, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी हर एक फ्रेंड्स के साथ। एंड गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला इसी टाइप के कोई भी अमेजिंग वीडियोस आप मिस ना कर पाओ, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने जितना भी प्रोडक्ट यूज़ किया है सारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक सारा मिल जाएगा, सो चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इस लुक को, देखते हैं कि मैंने किस टाइप से रेडी किया है। एंड एंड तक देखिएगा, तभी आप लोग को मालूम पर लगेगा कि मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया। सबसे पहले मैं अपनी फेस पे मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई करूँगी। एंड मैं यहाँ पे निविया सॉफ्ट का मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई कर ले रही हूँ अपनी पूरी फेस पे। प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ SFR का प्रो प्राइमर। सो इससे मैं अच्छी तरह से अपनी फेस पे अप्लाई कर लूँगी। ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाता है, मैंने 150 रुपीज़ में ख़रीदी थी कफ एंड लैसेस से। इस प्रोडक्ट का सारा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन। ये फाउंडेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये SPF 8 में भी आता है, जो कि अभी जो गर्मी का सीज़न है उसमें आपका सन प्रोटेक्शन का भी काम करेगा। मेरा जो शेड है वो है 05 एंड ये मेरा स्किन के लिए एकदम एग्जैक्ट शेड है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये फाउंडेशन। इस फाउंडेशन का रिव्यूइंग भी मैंने मेरे चैनल के ऊपर में अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ ये वाली ब्रश जो कि मैंने अमेजन से खरीदी थी, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा क्योंकि मैंने इसका भी एक रिव्यूइंग शेयर किया था। और ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है, मुझे ये वाला ब्रश भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इस फाउंडेशन का जो कवरेज है वो मीडियम से शेयर कवरेज है, अगर इसे बिल्डअप करूँगे तो कहीं हद तक आपको फुल कवरेज मिल जाएगा। सो नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर के लिए, फिट मी कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, ये मेबलिन से है। ये मेरा जो शेड है वो 10 लाइटर है, सो ये मेरा अपनी अंडर आई एरिया पर मैं अप्लाई करूँगी। सो काफ़ी मेरा ज़्यादा अंडर आई हो गया है, अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा यार। मैं जहाँ पे प्लेस में लगाती हूँ कंसीलर वहीं पर ही मैंने लगाई है। अभी मैं इसको भी ब्लेंड कर लूँगी सेम ब्रश की हेल्प से। सो नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ एनवेबे का कॉम्पैक्ट विथ SPF 40 आता है, सो ये कॉम्पैक्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं इसे अपनी पूरी फेस को सेट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं अपने लिप को थोड़ी सी लिप बाम कर लूँगी एंड मैं निविया का लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। मैं अपनी आईब्रो को फिलअप करने के लिए यूज़ कर रही हूँ एनवेवे का आईब्रो पेंसिल, सो इससे मैं अपने जहाँ पर भी गैप है वहीं पर ही फिलअप कर लूँगी। जो मेरा आईब्रो शेप है वही रखूँगी, बट मैं जहाँ पे गैप है वहीं पर फिलअप कर लें। नेक्स्ट मैं एक स्पूली की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी ताकि नेचुरल सा शेप दिखे। सो
सो आज मैं अपनी आई मेकअप के लिए यूज़ करूँगी मिस रोज़ का पैलेट, मिस रोज़ प्रोफेशनल मेकअप पैलेट, बट ये 3D पैलेट है, इसमें फुल काफ़ी सारा इसमें मिल जाएगा। सो इसका मैंने रिव्यू भी शेयर किया था, अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए। सो इतना सारा यहाँ पर मिल जाता है, अपनी ब्लशर, कॉम्पैक्ट लिपस्टिक एंड बहुत सारे आई शेडो यहाँ पर मिल जाता है। सो आज मैं इसी से अपनी मेकअप लुक क्रिएट करूँगी। सो मैं कौन सा यूज़ कर लूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये ऑरेंज एंड ये पिंक शेड को मैं अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी एक ब्रश के। सो मैं आई मेकअप के लिए कंफ्यूज हो रही हूँ। सो मैं यहाँ पे अपनी ईद मेकअप कर रही हूँ, तो आई थिंक ग्रीन इज़ बेटर। सो ग्रीन से मैं अपनी आई लुक क्रिएट करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ, मैं अपनी इनर कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी। सो मेरे इनर कॉर्नर पे ये डालूँगी एंड मैं आई लिड्स पर ये अपनी आउटर कॉर्नर पर इसी से थोड़ी सी स्मोक आउट कर लूँगी। सो सबसे पहले मैं अपनी आई लिड्स पर अप्लाई कर लूँगी। सो मैं अपनी फिंगर की हेल्प से मैं अप्लाई कर ले रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड कलर है ये। सो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड कलर है। इनर कॉर्नर को फिल अप कर लूँगी। मैं यहाँ पे अपनी हैंड से ही अप्लाई कर ले रही हूँ क्योंकि इस टाइप का जो कलर है वो हैंड से ही अच्छी तरह से पिक होता है। अपने आउटर कॉर्नर पे थोड़ी सी डार्क कलर में अप्लाई कर ले रही हूँ। ब्राउनिश ग्रीन शेड जो है इन दोनों को मिक्स करके मैं अपनी आउटर कॉर्नर को अप्लाई कर लूँगी ताकि मुझे एक स्मोकी इफेक्ट आए। सो इससे भी काम नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ी सी ब्लैक ऐड कर लूँगी। अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है अपनी हैंड्स के हेल्प से ही। सो उन्हीं कलर को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी लगा रही हूँ एंड जो ग्रीन कलर मैंने लगाई थी, डार्क ग्रीन कलर वो वाला, तो मैंने यहाँ पे हाफ तक सिर्फ लगाई है, मैंने इनर कॉर्नर पे नहीं लगाई है। मैं यहाँ पे लगाती हूँ उसके बाद मैं आती हूँ। आई थिंक ये आई लुक थोड़ा सा हैवी लग रहा होगा बट कभी कभी चलता है, सो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। अभी मैं मस्कारा और फॉल्सेस लगाऊंगी तो ऑटोमेटिकली वो नॉर्मल दिखेगा। सो मैं यहाँ पे मीनाओ का वाइट काजल लगानी हूँ, सो मैं इस काजल को अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं NYBA का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ एंड इससे मैं लाइटली विंग्ड आईलाइनर लगा। तो मैंने यहाँ पे अपनी फॉल्सेस भी अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्रॉन्जर का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, 5X वॉल्यूमिनाइज मस्कारा, लेकिन वेस्ट मस्कारा है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बट क्या करें, ख़रीदा है, लगाना पड़ेगा। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYBA का लिपस्टिक, कुछ इस टाइप का है एंड मेरा जो शेड है स्पार्कल्ड पेंगोल 25, सो मैं इसे यूज़ कर ले रही हूँ। सो ये बहुत ही न्यूट शेड है। सो मुझे ये शेड उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है बट फिर भी मैं इसके ऊपर में ये काइली का लिपस्टिक मैं अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं ब्लश के लिए सेम पैलेट से ये पिंक शेड में यूज़ कर रही हूँ। मैं आज कोई भी कंटूरिंग नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली ब्लश अप्लाई करूँगी।
बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड कलर है गाइस। इसे अच्छी तरह से अभी ब्लेंड कर लूँगी। हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ SFR कलर का हाइलाइटर पैलेट। सो इसमें से मैं ये शेड में अप्लाई कर लूँगी ये हाइलाइटर। लास्ट में अपनी सेटिंग स्प्रे से अपनी फेस को सेट कर लूँगी। सो गाइस यही रहा मेरा आज का वीडियो। मैंने कुछ इसी टाइप से इस लुक को क्रिएट किया है। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। प्रोडक्ट्स का जितना भी लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। सो आई नो कि थोड़ा सा ये लुक हैवी है, बट फिर भी आप लोग को इस टाइप का लुक पसंद है तो कुछ इसी हद तक क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।